क्योंकि लोगों ने उसको जो बरगर लाया था कि दहेज के केस में भी अगर एंटिसिपेटरी बेल नहीं लेगा तो उसको जेल हो जाएगी। अब उसको इंटरिम बेल तो मिल रही है, जबकि बाहर वो सुन रहा है वीडियोस के द्वारा हमारे कि उसको इंटरिम बेल लेने की जरूरत नहीं है, उसको जेल नहीं होगी। लेकिन यहाँ झारखंड हाई कोर्ट उसको कहता है कि बेल उसको मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ उसको 10 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट अपनी पत्नी के फेवर में देना है। खैर आखिरकार मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे अक्सर फोन करके पूछते हैं कि मैं अपने लगभग सभी वीडियोस में ये कहा करती हूँ कि अगर आपकी पत्नी ने आप पर 498A यानी कि दहेज की कंप्लेंट दर्ज की थी, जो कि बाद में FIR में ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कोर्ट से एंटिसिपेटरी यानी अंतरिम बेल लेने की कोई भी जरूरत नहीं हुआ करती, लेकिन वहीं पर जब आप अपने आस पड़ोस में बातचीत करते हैं या पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो आपको पुलिस वाले भी, आपको आपके आस पड़ोस वाले भी, आपके रिश्तेदार, दोस्त, सगे संबंधी सभी एक ही बात कहा करते हैं कि अगर आपने एंटिसिपेटरी बेल यानी कि अंतरिम बेल नहीं ली कोर्ट से तो आपको जेल हो सकती है। यहां पर मैं आपको एक ऐसे केस का जिक्र करके बताने वाली हूं जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कि आप बिना अंतरिम बेल लिए किस तरह से 498A के झूठे केसों से अपने आप को बचा सकते हो। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस केस का टाइटल क्या है। इस केस का टाइटल है रवि कांत श्रीवास्तवा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स। ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा था ये झारखंड हाई कोर्ट के इम्प्यूड ऑर्डर 15 फरवरी 2009 के ऑर्डर के अगेंस्ट ये पति महोदय पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में। और इस केस में झारखंड हाई कोर्ट ने इस पति को बेल देते समय ये शर्त रख दी थी कि आप 10 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट पत्नी के हाथ में दें तो आपको बेल मिल जाएगी। और इसी ऑर्डर के अगेंस्ट ये पति पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आइए जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या थी केस की। इस पति और पत्नी की शादी होती है 11 जून 2015 को। इन लोगों के बीच में यानी इस पति और पत्नी के बीच में आपस में तनातनी होती है, कलह कलेश होता है और आखिरकार ये पति 8 जुलाई 2016 को एक डिवोर्स पटीशन फाइल कर देता है अपनी पत्नी के अगेंस्ट। जैसा कि अक्सर आप सभी ने देखा ही है इनकी वाइफ भी इसके बदले में एक कंप्लेंट फाइल कर देती हैं 498A यानी दहेज के अंतर्गत। और ये जो दहेज की कंप्लेंट है ये FIR में कन्वर्ट हो जाती है 22 फरवरी 2018 को और इसमें सेक्शंस लगते हैं 498A, 120B, 323, 324 और साथ ही साथ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का एक्ट नंबर 3 और 4। यहां हस्बैंड, जैसा कि वो मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया ये हस्बैंड बहुत परेशान हुआ था और ये परेशानी में आकर के जैसा कि इसके आसपास के लोगों ने कहा कि अगर बेल नहीं ली तो जेल हो जाएगी, तो ये पहुंचते हैं हाई कोर्ट में बेल लगाने के लिए, इंटरिम बेल लगाने के लिए। यहां ये जो एक एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें कहीं पर एक पैराग्राफ में ये बात का जिक्र भी करते हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ साथ रहने के लिए भी तैयार हैं, यानी कि वो हाई कोर्ट के सामने ये बताते हैं कि वो अपनी इस पत्नी के साथ कॉन्जुगल राइट्स को भी रिज्यूम करने के लिए तैयार हैं। हाई कोर्ट के पास जब ये केस पहुंचता है हाई कोर्ट यहां पर बेल ग्रांट कर देती है इस पति को, लेकिन साथ ही साथ ये कहती है कि जैसा कि आपने अपनी इस बेल एप्लीकेशन में लिखा है कि आप इन कॉन्जुगल राइट्स को रिज्यूम कर लेंगे यानी कि पत्नी के साथ रहने के लिए भी आप तैयार हैं, तो आप
अपनी पत्नी के साथ कॉन्जुगल राइट्स रिज्यूम कीजिए। लेकिन रियलिटी यानी असलियत आप सभी को पता है कि अगर पति और पत्नी के बीच में एक बार लड़ाई झगड़े कलह कलेश शुरू हो जाते हैं तो ये संभव होता है किसी भी पति और पत्नी के लिए कि वो फिर दोबारा से एक साधारण रिश्तों में पुनः आ जाएं। और यहां पर झारखंड हाई कोर्ट ऑर्डर में ये लिखता है कि अगर पत्नी को ये बेनिफिट लेना है इंटरिम बेल का तो उसको 10 लाख रुपए का डीडी अपनी पत्नी के फेवर में जमा करना होगा। और ये ऑर्डर पास किया जाता है झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा मार्च 2021 में। यहां पति का दिमाग बिल्कुल फिनिश, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि लोगों ने उसको जो बरगलाया था कि दहेज के केस में भी अगर एंटीसिपेटरी बेल नहीं लेगा तो उसको जेल हो जाएगी। और हम हमेशा ये कहते हैं कि जेल नहीं होगी, आपको बेल लेने की ही जरूरत नहीं। लेकिन ये बात उस तक बहुत देर में पहुंची, तब तक वो इंटरिम बेल के लिए झारखंड हाईकोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगा चुका था। लेकिन यहां उसके ऊपर उल्टा वार आ गया, अब उसको इंटरिम बेल तो मिल रही है जबकि बाहर वो सुन रहा है वीडियोस के द्वारा हमारे कि उसको इंटरिम बेल लेने की जरूरत नहीं है, उसको जेल नहीं होगी। लेकिन यहां झारखंड हाई कोर्ट उसको कहता है कि बेल उसको मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ उसको 10 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट अपनी पत्नी के फेवर में देना है। खैर आखिरकार वो बहुत सारे लोगों से बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद उसको ये समझ में आता है कि चूंकि ये जो 10 लाख रुपए के डिमांड ड्राफ्ट की बात है ये ऑर्डर में लिखी गई है, क्योंकि यहां पर जब ये ऑर्डर हो रहा था तो इन्होंने झारखंड हाई कोर्ट को ये रिक्वेस्ट भी किया होगा कि आप इस चीज को ऑर्डर में लिख दीजिए। वैसे हालांकि आपने बहुत बार देखा होगा कि प्रैक्टिकली बहुत सारे केसेस में बहुत सारे हाई कोर्ट इस तरह का रवैया अपनाते भी हैं। जब आप हाई कोर्ट में पहुंचते हैं इंटरिम बेल एप्लीकेशन को लगाते हैं तो यहां पर राहत के नाम पर आपके ऊपर एक डंडा मार दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि जबरदस्ती कि आप इतना पैसा अपनी पत्नी को दीजिए तो आपको बेल ग्रांट हो जाएगी। खैर ये जो ऑर्डर था मार्च 2021 का, इसको लेकर के ये पति महोदय चैलेंज करते हैं और पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से देखा, उन्होंने ये भी पाया कि जिस केस में एंटीसिपेटरी बेल लेने की जरूरत भी नहीं हुआ करती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे केसेस में पहले ही कह चुका है कि अगर पति के ऊपर दहेज का केस लगा है तो दहेज जैसे केसेस में जहां पर पति और पत्नी के बीच में सिर्फ आपसी कलह को लेकर के पत्नियों ने ये इस तरह के झूठे केसेस झूठी FIR लॉन्च कर दी है, कोई जरूरत नहीं है एंटीसिपेटरी बेल लेने की। लेकिन फिर भी इनको नहीं मालूम था और इन्होंने हाईकोर्ट में एक जो ये एप्लीकेशन लगाई थी और यहां पर एक अजीब सी कहानी इनके सामने आ गई थी 10 लाख रुपए की DD तक जमा करने की, जबकि असलियत में तो सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि आपको बेल लेने की जरूरत ही नहीं है दहेज के केस में। खैर सुप्रीम कोर्ट यहां पर झारखंड हाई कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ने के बाद ही बहुत ही हैरान होता है और वो ये कहता है अपने ऑर्डर में कि इस झारखंड हाई कोर्ट को ये ऑर्डर पास करते समय उसके पास कोई भी रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं था, यानी झारखंड हाई कोर्ट का इस 10 लाख रुपए की डिमांड ड्राफ्ट को जमा कराने का और वो भी जबरदस्ती उसकी पत्नी के फेवर में कोई औचित्य नहीं बनता। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2022 को इस अपील को अलाउ कर दिया और साथ ही साथ जो एक इम्प्यूड ऑर्डर किया था झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा उसको सेट असाइड कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि जैसा कि मैं आप सभी को बहुत सारे वीडियोस में बताती रहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है बहुत क्लियरली कि आपको दहेज के केसेस में एंटीसिपेटरी बेल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ना जाने क्यों फिर भी आप में से बहुत सारे लोग कोर्ट्स में पहुंचते हैं,
ट्रायल कोर्ट्स में पहुंचते हैं, हाई कोर्ट्स में पहुंचते हैं और एंटिसिपेटरी बेल लगा दिया करते हैं। तो आपको ध्यान रहे कि आपको एंटिसिपेटरी बेल लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर गलती से एंटिसिपेटरी बेल आपने लगा भी दी है और कोई भी कोर्ट आपके साथ जबरदस्ती कर रहा हो और वो ये कह रहा हो कि बेल देने के नाम पर आपको इतना 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 पैसा अपनी पत्नी के फेवर में देना है, चाहे कैश के रूप में, चाहे डीडी के रूप में या किसी भी रूप में, तो आप कोर्ट को कहें, जो जिस कोर्ट के सामने आपने ये एप्लीकेशन लगाई है उस कोर्ट को कहें कि जनाब ये बात रिटन में लेकर के आए। अगर ये बात लिखित में आ जाती है कि कोर्ट आपको इस शर्त पर बेल दे रहा है कि आप इतने पैसे उसको जमा कराएं, तो आप निश्चिंत रहें इस केस का फायदा लेकर के जो मैंने आपको बताया, रविकांत श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, आप निश्चिंत रहें। अगर आपने इस केस का हवाला दिया तो इस तरह की बात कभी भी लिखित में आएगी ही नहीं। तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये कहा जाता है, ये बताया जाता है कि आप कभी भी इस तरह की गलतियां ना करें, और अगर आपके साथ ये जबरदस्ती हो रही हो तो उस चीज को लिखित में लेना ना भूलें, ताकि ऊपरी कोर्ट में जब आप चैलेंज करें तो आपको उसका फायदा मिल सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।